नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी सात खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सत्ता में पहले अपने न्यूज मित्रों को बताएंगे पीएम मोदी क्यों एक ऐसे मुस्लिम मुल्क के दौरे पर गए जिसका शायद नाम बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ये देश है ब्रुनाई, जहां पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है। लेकिन पीएम के इस दौरे का एजेंडा क्या है, सत्ता में वो समझिएगा। फिर हरियाणा के उन बेलगाम गौ रक्षकों पर सत्ता की कुंजी खोलेंगे, जिन पर गो तस्करी के शक में 19 साल के एक लड़के की हत्या का आरोप है। वो लड़का जो अपने दोस्तों के साथ घर से घूमने के लिए निकला था, लेकिन उसे बीच रास्ते में गोली मार दी गई। आज आर्यन के माता पिता का दर्द सत्ता में देखिएगा। इसके बाद बंगाल के रेप वाले बिल की बात करेंगे, जिसके जरिए अब दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। इस अपराजिता बिल को लेकर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा और क्यों ये बिल कई राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकता है, ये भी बताएंगे। फिर उस हिमाचल की बात करेंगे जहां पहली बार सरकारी कर्मचारियों को अब तक न महीने का वेतन मिला, न पेंशनर्स को पैसा। लेकिन इसके पीछे राज्य का आर्थिक संकट वाला नंबर गेम क्या है, आखिर क्यों हिमाचल की हालत ऐसी हो गई है, इस पर गौर करिएगा। आज एक बड़ी सियासी खबर हरियाणा को लेकर भी है, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए राहुल गांधी ने अपने पार्टी के नेताओं से राय ली है, जबकि आप के नेता संजय सिंह ने भी इसका स्वागत किया है। एक बड़ा अपडेट वेब सीरीज IC 814 पर। हमने कल आपको ये दिखाया था कि कैसे वेब सीरीज में आतंकियों के असली नाम छिपाकर हिंदू नाम बताने पर क्लेश हो गया है। अब नेटफ्लिक्स ने सरकार को कुछ बदलाव का आश्वासन दिया है। वेब सीरीज के ओपनिंग डिस्क्लेमर में अब आतंकियों के असली नाम के साथ उनके कोड नेम दिखाए जाएंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर आज एक शुभ समाचार आया है। वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। पहले वर्ल्ड बैंक ने 6.6% की GDP ग्रोथ का अनुमान जताया था, लेकिन अब इसे 7% कर दिया गया है। सत्ता में आज लेकिन हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐसे मुस्लिम देश के दौरे की बात करेंगे जहां आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा। पीएम मोदी ईस्ट एशियाई देश ब्रुनाई के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी ब्रुनाई के बाद सिंगापुर जाएंगे। 4 और 5 सितंबर को पीएम सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। लेकिन ब्रुनाई में थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनाई की शाही मस्जिद पहुंचे। सत्ता के बहुत सारे ऐसे न्यूज मित्र होंगे जो ब्रुनाई देश के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आज आपको सत्ता में 4 कुंजियों के जरिए पीएम मोदी के ब्रुनाई दौरे की पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले बात होगी भारत और ब्रुनाई के बीच कारोबारी रिश्ते की, और आपको ये बताएंगे कि दोनों देशों के बीच क्या समझौते हो सकते हैं, व्यापारिक दृष्टि से ये दौरा कितना अहम है। इसके बाद अगली कुंजी पीएम मोदी के मस्जिद दौरे पर, जहां पीएम पहुंच चुके हैं, इसकी दिलचस्प तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही ब्रुनाई के सुल्तान के आलिशान महल और महंगे शौक के बारे में ऐसी आश्चर्यजनक जानकारियां देंगे जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि सिर्फ 4,50,000 की आबादी वाले देश ब्रुनाई के सुल्तान की चर्चा आज पूरी दुनिया में क्यों हो रही है। लेकिन पहले पीएम मोदी के दौरे और इस यात्रा की अहमियत वाली संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें। आज ब्रुनाई पहुंचते ही पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने उनका रेड कार्पेट वाला स्वागत किया, फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी वर्ष भारत और ब्रुनाई के बीच राजनयिक संबंधों के 40 साल भी पूरे हुए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ब्रुनाई के सुल्तान के निमंत्रण पर वहां गए हैं। आपको बता दें, ब्रुनाई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से एक अहम साझेदार भी है। एशिया का एक ऐसा देश जहां 82% मुस्लिम आबादी है, जो राजशाही को लेकर पूरी दुनिया में विख्यात है, जहां के सुल्तान बेशुमार दौलत के मालिक हैं, जिनकी गिनती दुनिया के कुछ चुने हुए अमीर लोगों में होती है। आपको यहां पर ब्रुनाई के इतिहास की जानकारी भी दे दें। ब्रुनाई को वर्ष 1984 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी। सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन तृतीय 5 अक्टूबर 1967 को ब्रुनाई के राजा बने थे। अब हसनल बोलकिया करीब 59 वर्ष से सम्राट हैं, जिनसे पीएम मोदी की मुलाकात होगी। आपको बता दें, ब्रुनाई के साथ भारत के सामाजिक और कारोबारी रिश्ते भी हैं। यहाँ करीब 14,000 भारतीय रहते हैं। ब्रुनाई में भारत का अंतरिक्ष निगरानी केंद्र भी है। वैसे देखा जाए तो पीएम मोदी के इस दौरे में कई अहम मुद्दों पर समझौते हो सकते हैं। भारत ब्रुनाई से हाइड्रोकार्बन आयात कर रहा है
और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने ब्रुनेई के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश किया है। प्राकृतिक गैस की जरूरत पूरी करने के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ पर भी आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिश पर चर्चा होगी। भारत ब्रुनेई के साथ समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर देगा। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की कोशिशों में लगा है। इसके जरिए भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को टक्कर देना चाहता है। ब्रुनेई की भौगोलिक स्थिति भी इस लिहाज से अहम है। ये एक समुद्री सीमा वाला देश है। ब्रुनेई की उत्तरी सीमा साउथ चाइना से लगती है। साउथ चाइना सी को लेकर ब्रुनेई का भी चीन के साथ विवाद है। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे की विशेष बात यह है कि वो मशहूर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी उस शाही मस्जिद में गए जिसका निर्माण ब्रुनेई के सुल्तान ने 1958 में किया था। ब्रुनेई की इस शाही मस्जिद की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में होती है।